हाय गाइस, वेलकम टू अयाना लाइफस्टाइल। आज हम डिज़ाइन नंबर 39 पे आ गए हैं। आज के डिज़ाइन में हम आपको बताएंगे कि हम निटिंग से वुलन स्पैरो या चिड़िया कैसे बना सकते हैं। आज का हमारा डिज़ाइन 28 फंदों पे है और 25 सिलाई में डिज़ाइन जाके कंप्लीट होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा ट्यूटोरियल पे जाते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें। हम पहली सिलाई पे आ गए हैं। पहली सिलाई में हमने ब्राउन कलर की ऊन को ऐड किया है। यहाँ पे हमने 13 फंदे ग्रीन के, एक ब्राउन का, 4 ग्रीन के, 2 ब्राउन के और 7 ग्रीन के, इस तरह से हमने हमारी फर्स्ट सिलाई को कंप्लीट किया है। अब हम आते हैं हमारी दूसरी सिलाई पे। दूसरी सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इस सिलाई में हमने 6 फंदे ग्रीन के, 2 ब्राउन, 4 ग्रीन, 1 ब्राउन और 14 फंदे ग्रीन के बने हैं। इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट होती है। तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरी सिलाई हमने सीधी बुनी है जिसमें हमने 15 फंदे ग्रीन के, 1 ब्राउन का, 3 ग्रीन, 3 ब्राउन और 5 ग्रीन के बने हैं। इस तरह से तीसरी सिलाई कंप्लीट होती है। हम चौथी सिलाई पे आ गए हैं। चौथी सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 5 फंदे ग्रीन के, 3 ब्राउन, 2 ग्रीन, 2 ब्राउन और 15 फंदे ग्रीन के बने हैं। आप देख सकते हो नीचे हमारी चिड़िया के पैर दिखने लग गए हैं। अब हम बढ़ते हैं पांचवी सिलाई की तरफ। पांचवी सिलाई हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 17 फंदे ग्रीन के, 5 फंदे ब्राउन के और 6 फंदे ग्रीन कलर के बने हैं। इस तरह से हमने हमारी इस लाइन को कंप्लीट किया है। आप देख सकते हो छठी सिलाई में हमने बेबी पिंक कलर जोड़ा है। इस सिलाई में हमने 4 फंदे ग्रीन के, 9 फंदे पिंक के और 15 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं। अब हम बढ़ेंगे सातवीं सिलाई की तरफ। सातवीं सिलाई हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 12 फंदे ग्रीन कलर के, 12 फंदे पिंक कलर के और एंड के 4 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं। अब हम बढ़ेंगे आठवीं सिलाई की तरफ। आठवीं सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 3 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, 14 फंदे पिंक कलर के बुने हैं और 11 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं। आप देख सकते हो बर्ड की बॉडी अब थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई है। अब हम बढ़ते हैं 9 सिलाई की तरफ। 9 सिलाई हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 10 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, 17 फंदे पिंक कलर के बुने हैं और एक फंदा हमने ग्रीन कलर का बुना है। इस तरह से हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं 10वीं सिलाई की तरफ। ये सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 18 फंदे पिंक कलर के बुने हैं और बाकी के 10 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं। अब हम बढ़ते हैं 11वीं सिलाई की तरफ। ये सिलाई हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 9 फंदे ग्रीन कलर के, 9 फंदे पिंक कलर के, 8 फंदे ब्राउन कलर के और 2 फंदे पिंक कलर के, इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट किया है। अब हम आते हैं 12वीं उल्टी सिलाई की तरफ। इसमें हमने 9 फंदे पिंक कलर के बुने हैं, 3 फंदे ब्राउन कलर के बुने हैं, 7 फंदे पिंक कलर के वापस बुने हैं और एंड में 9 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं। इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं 13वीं सीधी सिलाई की तरफ। 13वीं सिलाई में हमने 8 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, फिर 6 फंदे पिंक कलर के बुने हैं, फिर 3 फंदे ब्राउन कलर के बुने हैं और वापस 6 फंदे पिंक कलर के बुने हैं, फिर एक ब्राउन कलर से बुना है, 3 पिंक और 1 ग्रीन। इस तरह से ये लाइन कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं 14 सिलाई पे। 14 सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने एक फंदा ग्रीन का, 3 पिंक के, 2 ब्राउन के, 6 फंदे पिंक कलर के, 4 फंदे ब्राउन कलर के, 4 फंदे पिंक कलर के और बाकी के 8 फंदे ग्रीन कलर से इसे कंप्लीट किया है। 15 सिलाई हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 8 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, 4 फंदे पिंक कलर के बुने हैं, फिर 2 फंदे ब्राउन कलर के बुने हैं, फिर 5 फंदे पिंक कलर के बुने हैं, फिर वापस 5 फंदे ब्राउन कलर के बुने हैं और एंड में 4 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं। इस तरह से इस लाइन को हमने कंप्लीट किया है। 16 सिलाई हमने उल्टी बनाई है। इसमें हमने 2 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, 7 फंदे पिंक कलर के बुने हैं, 2 फंदे ब्राउन कलर के बुने हैं, फिर 4 फंदे पिंक कलर के बुने हैं, फिर एक फंदा ब्राउन कलर का बुना है, फिर 4 फंदे पिंक कलर के बुने और 8 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं। अब हम बढ़ते हैं 17वीं सिलाई की तरफ। ये हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 6 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, फिर 6 पिंक कलर के, 4 ब्राउन कलर के, 9 पिंक कलर के और 3 ग्रीन कलर के, इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं 18 सिलाई की तरफ। 18 सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 5 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, 19 फंदे पिंक कलर के बुने हैं और लास्ट के 4 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं। अब हम बढ़ते हैं 19वीं सिलाई की
तरफ ये सिलाई हमने सीधी बुनी है। इस सिलाई से ध्यान दें, हमने चिड़िया की चोंच बनाना शुरू कर दिया है इस सिलाई से। इस सिलाई में हमने दो फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, दो फंदे ब्राउन कलर के बुने हैं, 14 फंदे पिंक कलर के बुने हैं और 10 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली सिलाई की तरफ। 20वीं सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 13 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, 4 फंदे पिंक कलर के बुने हैं, 2 फंदे ब्राउन कलर के बुने हैं, फिर 5 फंदे पिंक कलर के बुने हैं, फिर 1 फंदा ब्राउन कलर का बुना है और लास्ट के 3 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं। इस तरह से हमारी 20वीं सिलाई कम्प्लीट होती है। हम बढ़ते हैं 21वीं सिलाई की तरफ। 21वीं सिलाई हमने सीधी बुनी है। इस सिलाई में आप देख सकते हो हमने आग बनाने के लिए काले कलर की ऊन को इस सिलाई से जोड़ा है। इस सिलाई में हमने 4 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, 2 पिंक, 2 ब्लैक, 2 ब्राउन, 4 पिंक और 14 ग्रीन। इस तरह से हमने हमारी इस सिलाई को भी कंप्लीट किया है। 22वीं सिलाई हमने 21वीं सिलाई के जैसी बनाई है, बस डिफरेंस ये है 21वीं सीधी बनी थी, ये हमने उल्टी बुनी है। अब हम बढ़ते हैं 23वीं सिलाई की तरफ। 23वीं सिलाई में आप देख सकते हो कंप्लीट होने के बाद लुक इस तरह से आ रहा है। ये हमने सीधी बुनी है, आप देख सकते हो बोर्ड काफ़ी हद तक दिखने लग गई है। इसमें हमने 4 फंदे ग्रीन कलर के, 3 फंदे पिंक कलर के, 4 फंदे ब्राउन कलर के, 3 फंदे ग्रीन कलर के और 14 फंदे ग्रीन कलर के, इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट किया है। 24वीं सिलाई बनने के बाद लुक इस तरह से आ रहा है। ये हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 16 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, 7 फंदे पिंक कलर के बने हैं और 5 फंदे ग्रीन कलर के बने हैं। इस तरह से हमने हमारी इस लाइन को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं 25वीं सीधी सिलाई की तरफ। 25वीं सिलाई आप देख सकते हो हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 6 फंदे ग्रीन कलर के बुने हैं, 6 फंदे पिंक कलर के बुने हैं और रिमेनिंग 16 फंदे हमने ग्रीन कलर के बुने हैं। और इसी तरह से आप देख सकते हो हमारा आज का ट्यूटोरियल ओवर होता है। हमारा पूरा डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया है। चिड़िया का लुक इस तरह से आ रहा है। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है और आप चाहते हो उसका हम ट्यूटोरियल बनाएं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बताएं। इसी तरह से आज का वीडियो एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर वीडियो के एंड में जो अयाना लाइफस्टाइल का आइकन आएगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। So that's it for today. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you so much for watching. Stay tuned and bye.